हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जनरल सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी दो टाइप्स होंगी। टाइप नंबर फर्स्ट में जो फॉर्म होगी दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू फंक्शन होगा टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, और टाइप नंबर सेकंड में फंक्शन होगा टोटली इन टर्म्स ऑफ वाई। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल से। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये फंक्शन है हमारे पास टोटली इन टर्म्स ऑफ एक्स, तो इसको हम पहले फॉर्म बनाएंगे डी वाई। डी वाई को हम लेफ्ट में रखेंगे इज इक्वल टू एफ एक्स के साथ हम dx लिख देंगे। ओके, जो भी फंक्शन होगा उसके साथ dx शिफ्ट कर देंगे। एज दिस ये बनेगा dy इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स dx। ओके, देन इसको हम इंटेग्रेट करेंगे, आगे इसको सॉल्व करने हैं हम। ये आ जाएगा हमारे पास dy इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस एक्स dx, और यहाँ आ जाएगा, देखिए यहाँ प्लस 0 है तो इसका इंटेग्रल आएगा प्लस c। अब इसका इंटेग्रल करेंगे, डी वाई का इंटेग्रल आएगा y, एंड इसका सिंपली सॉल्व करेंगे। देखिए 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बाई हाफ ऑफ द एंगल, देन 1 प्लस कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी, एंड y इज इक्वल टू 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर विल बी टेन स्क्वायर, एंड दिस विल बी टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स प्लस सी। और टेन स्क्वायर को हम सॉल्व कर सकते हैं, y इज इक्वल टू इंटेग्रल ऑफ सिकेंड स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1 डी एक्स प्लस सी, एंड दिस विल बी y इज इक्वल टू सिकेंड स्क्वायर का इंटेग्रल है हमारे पास टेन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई डेरिवेटिव ऑफ x बाई 2 डेट इज 1 बाई 2 माइनस 1 का इंटेग्रल इज x प्लस सी, एंड हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू टेन एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। देखिए एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल नंबर फर्स्ट में किया है हमने, फॉर्म हमें बनी बनाई मिलेगी, मींस डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में बना हुआ होगा क्वेश्चन। ओके, ये सेकंड एग्जांपल है, इसमें क्वेश्चन जो होगा हमें पहले डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म में बनाना है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। लेफ्ट में हम सिर्फ डी वाई अपॉन डी एक्स रखेंगे और सारी टर्म्स को राइट साइड में शिफ्ट कर देंगे। ओके, दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो इसके साथ ही रह जाएगा पहले, इज इक्वल टू ये आ जाएगा x प्लस 2 tan इनवर्स x। ओके, देन दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको अलग अलग डिवाइड कर लेंगे। दिस विल बी डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये फॉर्म हमारे पास बन गई, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स की फॉर्म बन गई। तो इसे हम बनाएंगे अब dy इज इक्वल टू एफ एक्स, एफ एक्स है हमारे पास दिस वन, x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका इंटेग्रल करेंगे, दिस विल बी, देखिए इसका इंटेग्रल करेंगे तो ये बनेगा डी वाई इंटेग्रल ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस, इसका अलग अलग कर लेंगे अब, 2 बाहर आ गया, अंदर आ जाएगा हमारे पास 2 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अब इनको दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। ओके, दिस विल बी y इज इक्वल टू, देखिए ऊपर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 के साथ डिवाइड कर देंगे, ऊपर इसका डेरिवेटिव पड़ा हुआ है, और इसका इंटेग्रल होगा log मॉडुलस ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फॉर्मूला। जब हमारे पास ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव हो और नीचे फंक्शन हो तो इस फॉर्म में है हमारे पास, देखिए एफ एक्स डिवाइडेड बाई एफ एक्स का डेरिवेटिव ऊपर पड़ा होगा dx, तो इसकी फॉर्म का आंसर क्या होगा log मॉडुलस ऑफ एफ एक्स। ओके, देन अब इसमें आ जाइए प्लस log, और इसका बनेगा 2 इंटू, देखिए tan इनवर्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इसमें हम पुट करेंगे tan इनवर्स इज इक्वल टू t। ओके, देन दिस विल बी, देखिए ये भी डेरिवेटिव ही है, ये बनेगा हमारे पास 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, तो ये बन जाएगा इंटेग्रल, इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, tan इनवर्स डी एक्स इज इक्वल, tan इनवर्स को हमने पुट किया t, 1/1 + x² dx की वैल्यू आ गई हमारे पास dt। तो इसके साथ ये आ जाएगा t² अपॉन 2। ओके, तो t को हम बैक पुट करेंगे tan 1 x² अपॉन 2। तो ये इसका आंसर आ जाएगा tan 1 x डिवाइडेड बाई 2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास आंसर आ जाएगा y = 1/log (1 + x² + tan 1 x²) प्लस c। दिस इज योर आंसर। नो नेक्स्ट टाइप नंबर सेकेंड में क्वेश्चन होंगे अब dy/dx = fy की फॉर्म में होंगे, मीन्स फंक्शन होगा इन टर्म्स ऑफ y। ओके, तो पहले इसको क्या करना है, हमने इसको उल्ट कर देना है। ये बन जाएगा हमारे पास dx अपॉन y = y³ अपॉन 1 + y²। ओके, अब dx को हम लेफ्ट में रखेंगे और सारी टर्म्स को राइट में शिफ्ट कर देंगे। दिस विल बी dx = y³ अपॉन 1 + y² dy। ओके, अब इसका इंटेग्रल करना है। दिस विल बी इंटेग्रल dx = इंटेग्रल ऑफ y³ अपॉन 1 + y² dy। अब इसका इंटेग्रल सॉल्व करेंगे, यहाँ लग जाएगा प्लस c। ओके, अब इसके इंटेग्रल सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास फॉर्म y³ अपॉन 1 + y²। ऊपर जब डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर की पावर से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम डिवाइड करेंगे। ओके, लॉन्ग डिवीजन से सॉल्व करेंगे। अब इसको ये बनेगा हमारे पास y³ 1 + y²। अब इसको y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी y³ + y एंड ये आ जाएगा हमारे पास -y। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। दिस विल बी इंटेग्रल y³ अपॉन 1 + y² को हमने लिखना है। देखिए y - y अपॉन 1 + y² dy प्लस c। अब dx का इंटेग्रल आएगा हमारे पास x = और y का इंटेग्रल आएगा y² अपॉन 2। दिस इज विद रिस्पेक्ट टू y। ओके, एंड माइनस, देखिए इसको भी ऐसे ही करना है, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ डिवाइड करेंगे। तो इसका भी वही फॉर्मूला बनेगा log 1/2 log (1 + y² + c। दिस इज योर आंसर। यहाँ आप 2 का एलसीएम लगाकर, हम एलसीएम निकालकर इधर शिफ्ट भी कर सकते हैं, बाकी ऐसे ही छोड़ना है, ऐसे भी ये आंसर आ जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें y² + sin y dy = dx है। तो पहले इसे हम dy/dx = fy की फॉर्म में बनाएंगे। ये बनेगा dy/dx को इधर शिफ्ट कर लिया, = 1/ ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। ओके, अब इसको सॉल्व करेंगे। ये बनेगा, पहले इसको उल्टा करेंगे, ये बनेगा dx डिवाइडेड बाई dy = दिस विल बी y² + sin y। अब इसकी शिफ्टिंग होगी। दिस विल बी dx = dy को इधर fy के साथ शिफ्ट करेंगे, y² + sin y dy। देन इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड्स, इंटीग्रल ऑफ dx = इंटीग्रल ऑफ y² + sin y dy प्लस c आ जाएगा यहाँ। ओके, देन dx का इंटेग्रल इज x = y² का इंटेग्रल इज y³ अपॉन 3 प्लस, और sin y का इंटेग्रल होगा -cos y प्लस c। एंड दिस विल बी x = y³ अपॉन 3 माइनस cos y प्लस c। दिस इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ये हो गया जनरल सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है, दिस इज वेरिएबल सेपरेशन, वो हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए।